नमस्कार दोस्तों, BSET की क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं EDMs का प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। अब यहाँ पर दोस्तों EDM का प्रयोग किया गया है, टुक टू हिज हील्स। अब आपको इसका अर्थ बताना है, और जितने भी EDM यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं वो हाईलाइट हैं, और 5 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए, रन अवे इन फियर यानी डर कर भाग जाना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। टुक टू हिज हील्स का अर्थ होता है रन अवे इन फियर यानी डर कर भाग जाना। उसने जब सांप को देखा तो वो डर कर भाग गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, ही हैज़ टू एविड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर जो EDM का प्रयोग हो रहा है वो है हार्ड एंड फास्ट। अब हार्ड एंड फास्ट का क्या अर्थ होता है आपको बताना है, और देखिए ये रूल्स के आगे लगा है, तो कुछ ऐसा शब्द इसका अर्थ होगा जो मतलब यहाँ पर परफेक्ट बैठे। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है दोस्तों कठोर और निश्चित, यानी कुछ ऐसे नियम जो इतने कठोर हैं और निश्चित हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट का यहाँ पर अर्थ होता है स्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। अब दोस्तों आपको ऑफ एंड ऑन का अर्थ बताना है। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओकेजनली का अर्थ होता है दोस्तों कभी कभार, कभी कभार जो है मतलब जो नियमित तौर पे ना हो, बस कभी कभार हो, तो उसे ओकेजनली कहा जाता है। ऑफ एंड ऑन इसका जो है अर्थ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपनी माँ के घर जाती है कभी कभार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सेंटेंस में दोस्तों इन कोल्ड ब्लड का जो है अर्थ हो प्रयोग हो रहा है EDM का, और इसका अर्थ आपको बताना है। 5 सेकेंड का समय है। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग। दोस्तों अ कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है निर्मम हत्या। निर्मम हत्या का क्या अर्थ होता है दोस्तों, एक ऐसी हत्या करना जिसमें बिल्कुल भी फीलिंग्स ना हो। आप जो हैं जैसे मान लीजिए किसी को एक बार चाकू मारकर हत्या की जाए, और वही उसे अगर 50 बार चाकुओं से गोद दिया जाए तो वो भी एक हत्या हुई, वो भी एक चाकू से हत्या हुई, लेकिन उसमें बस ये शो करता है कि किसी भी तरीके की फीलिंग्स नहीं थी, ठीक है ना। तो उस तरीके की हत्या को निर्मम हत्या कहा जाता है, और ये शब्द आपने न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी सुना होगा, निर्मम हत्या। तो इसका अर्थ होता है इन कोल्ड ब्लड। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। अगला EDM है दोस्तों आर गोइंग प्लेसेस। इसका क्या अर्थ होता है सेंटेंस पूरा देख लीजिए। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है तरक्की करना। जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की कर रहे हैं, किसमें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसमें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें काफ़ी जो है तरक्की कर रहे हैं। तो आर गोइंग प्लेसेस का अर्थ हो गया टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो EDM प्रयोग हो रहा है वो है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉट ऑन गुड टर्म, इसका अर्थ होता है दोस्तों जो परस्पर संबंध है वो अच्छे ना होना, ठीक है ना। तो जैसे आपके और आपके पड़ोसी के संबंध अच्छे नहीं है, आपके देश के और पड़ोसी देश के संबंध अच्छे नहीं है, तो जब दो लोगों के बीच के संबंध अच्छे ना हो तो उसे कहा जाता है नो लव लॉस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलते हैं आगे। अगला EDM है दोस्तों, ही इज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस।
अब यहाँ पर जो ईडियम प्रयोग हो रहा है वो है सिटिंग ऑन द फेंस, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है तटस्थ रहना, यानी आप किसी मुद्दे पर तटस्थ रहें। यानी जैसे मान लीजिए दो पक्ष हैं, एक वादी पक्ष है एक प्रतिवादी पक्ष है, और आप दोनों में से किसी एक की भी साइड नहीं ले रहे हैं, आप दोनों में से नहीं चाह रहे कि मैं इसकी साइड से बोलूँ या उसकी साइड से बोलूँ, आप बिल्कुल जो है सिटिंग ऑन फेंस, मतलब आप जो है तटस्थ हैं, मामले से दूर हैं, तो वो कहलाता है किसी भी एक पक्ष की साइड ना लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, यानी किसी के हिचकिचाना किसी एक की साइड लेने से, किसी भी एक पर्सन की, किसी एक व्यक्ति की साइड लेने से हिचकिचाना, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जब भी ईडियम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम में, तो चारों ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कई बार ऐसा होता है कि जो सेंस है वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो इस तरीके से जो है जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे तब आप सही आंसर टिक करिएगा। और अब चलते हैं आगे, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब यहाँ पर जो ईडियम प्रयोग हो रहा है दोस्तों वो है रीड बिटवीन द लाइन, इसका अर्थ बताना है आपको। रीड बिटवीन द लाइन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी किसी भी चीज़ के छुपे हुए अर्थ को समझना, ठीक है ना? तो किसी भी चीज़ के जब छुपे हुए अर्थ को समझने की बात आएगी तो वहाँ पर ईडियम प्रयोग किया जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ खास नहीं है इसमें, ये पहले भी मैंने करा रखा है ईडियम, तो आप लोगों को मालूम होगा। द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्न्ड नॉट टू प्ले द गैलरी। अब यहाँ पर जो ईडियम प्रयोग हो रहा है वो है नॉट टू प्ले द गैलरी, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि कुछ ऐसे काम करना जिससे आप जो है प्रतिष्ठा का विषय बने रहें, लोगों को ध्यान केंद्रित करना, लोगों के ध्यान का विषय बने रहना, ठीक है? तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, टू सीक टू विन अप्रूवल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन द सिक्योरिटी स्कैम द नेशनल सेलिब्रिटीज वॉज एट स्टेक। अब यहाँ पर जो ईडियम प्रयोग हो रहा है वो है एट स्टेक। दोस्तों एट स्टेक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इन डेंजर, एट स्टेक का अर्थ होता है खतरे में होना, इन डेंजर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को देखेंगे, तो शुरू करते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, मतलब दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो आपके देश से निकलकर दूसरी कंट्री में, यानी अनदर कंट्री में जाकर सेटल हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है प्रवासी, और ऑप्शन फोर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इमिग्रांट, ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड यानी मानवता से, मानव जाति से नफरत करता है, मानवता से नफरत करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी, मिस एंथ्रोप, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मिस एंथ्रोप वो पर्सन होता है जो नफरत करता है मैनकाइंड से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दोस्तों एक ऐसी चीज, एक ऐसा नियम या फिर एक ऐसी वस्तु जो पूरे संसार में व्यापक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का अर्थ होता है सार्वभौमिक, यानी जो सब जगह है, जैसे कोई नियम है तो वो सब जगह लागू होगा पूरे पूरे वर्ल्ड में, कोई वस्तु है जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, तो जो बिलोंग करती है पूरे पूरे वर्ल्ड से, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे भारत पूरे जो है संसार से बिलोंग करती है, उसे यूनिवर्सल कहा जाता है। बार बार मेरे मुंह से जो है भारत निकल रहा है तो माफ कीजिएगा। वन हु वॉक ऑन रोप, मतलब दोस्तों एक व्यक्ति जो रस्सी पर चलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है करतब वगैरह दिखाए जाते थे, रस्सी बांधकर लोग उस पर चलते थे, बच्चे उस पर चलते थे, तो वो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, फुनेम्बुलिस्ट, फुनेम्बुलिस्ट का अर्थ होता है वो लोग जो रस्सी पर चलते हैं, उन्हें कहा जाता है फुनेम्बुलिस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन
एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दोस्तों शब्द की जो है शब्द की स्टडी करना, जैसे कि वो शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, उस शब्द की उसका ओरिजिन क्या था और क्या इतिहास रहा है उस शब्द की उत्पत्ति का। तो अगर जब हम इन शब्दों की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एटमोलॉजी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, एटमोलॉजी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। दोस्तों ब्रेक इनटू जो है एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है अंदर घुसना, जबरदस्ती अंदर घुसना। और इसे मैंने जब फ्रेजल वर्ब कराई थी आप लोगों को तब कराया भी था तो मुझे याद है। अगर आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग जाके। और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर घुसता है घर के, क्यों घुसता है, चोरी करने के इरादे से, तो उसे कहा जाता है दोस्तों वल्गर। ऑप्शन फोर यहाँ पर सही हो जाएगा। वल्गर दोस्तों वो होता है चोर, या फिर कहें सेंधमार। सेंधमार यानी सेंधमारी करने के उद्देश्य से, चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसता है, तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड यानी बच्चे की हत्या क्या कहलाती है। दोस्तों ये जो हत्या वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे राजा की हत्या, भाई की हत्या, माँ की हत्या, ये सारे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं लिखे हैं किसी एक जगह पे तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं ये आपको सारे करा दूंगा, सारे फोबियाज और जितनी भी ये जो है किलिंग्स हैं ये सब करा दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड कहलाता है दोस्तों इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड कहलाता है बच्चे की हत्या, और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्फेंट कहलाता है बच्चा। अगर हम बात करें इन्फेंट की तो इन्फेंट कहलाता है बच्चा। और इन्फेंट का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इन्फेंट का अर्थ होता है एक ऐसे ही बच्चा, एक ऐसे बालक जो बोलने में असमर्थ हो। ये शब्द की उत्पत्ति जहाँ से हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फेंट किसे कहा जाता है। इन्फेंट का अर्थ होता है बोलने में असमर्थ। ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड का अर्थ हो जाता है बच्चे की हत्या। आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, दोस्तों अच्छा खाना बनाने की कला क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए गैस्ट्रोनॉमी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस्ट्रोनॉमी एक कला है जिसके अंदर बहुत स्वादिष्ट और अच्छा और पौष्टिक खाना बनाया जाता है, ये उसकी कला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वन हु इज़ इनडिफरेंट इन प्लेजर और पेन, मतलब दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी में और दुख में दोनों में समान रहता है, मतलब ना उसे किसी चीज़ की खुशी है ना किसी का गम है, तो इस तरीके के पर्सन को क्या कहा जाता है दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए स्टोइक तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टोइक का अर्थ होता है भाव शून्य, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें भाव शून्य है, मतलब कोई भाव नहीं है उसके व्यक्ति का कि कोई किसी वजह से वो प्रसन्न हो या फिर दुखी हो किसी वजह से, तो उसे स्टोइक कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं समझा पा रहा हूँगा आपको और क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द स्टडी ऑफ मैप्स यानी जैसे नक्शों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप चुनते हैं कार्टोग्राफी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत दोस्तों हम नक्शों का अध्ययन करते हैं, मैप्स का अध्ययन करते हैं। टिश्यूज़ इन ज्वाइंट्स, दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ का अर्थ है ऊतक, और कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, और ऊतकों का जो जोड़ होता है जहाँ पर ऊतक जुड़ते हैं यानी टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है आपको बताना है। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए लिगामेंट्स, दोस्तों जहाँ पर ये जोड़ होता है उसे लिगामेंट्स कहा जाता है, जहाँ पर दो ऊतक आपस में जुड़ते हैं उसे लिगामेंट्स कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, दोस्तों किसी भी चीज़ का पहला मॉडल, मतलब पहले मॉडल से यहाँ पर ये अर्थ है दोस्तों कि वो बाज़ार में बिकने के लिए नहीं आया है, वो पहला मॉडल है, उसे साइंटिस्ट ने या फिर इंजीनियर्स ने टेस्ट के लिए बनाया है, बनाकर तैयार किया है, तो वो पहला मॉडल कहलाता है जिसे बेचा नहीं जाता। ठीक है ना, किसी भी कार का, किसी भी स्कूटर का या फिर किसी भी डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है जो इंजीनियरिंग पर्पज़ से या फिर साइंटिस्ट बनाते हैं, तो वो कहलाता है प्रोटोटाइप।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटोटाइप, फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, मतलब दोस्तों जहाँ पर ऑडियंस बैठती है उसे क्या कहा जाता है, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर लोगे, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी ऑडिटोरियम तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑडिटोरियम मतलब जो होता है जहाँ पर पब्लिक बैठती है, ऑडियंस बैठती है, तो ऑडियंस से ही आप लोग ध्यान रखिए, ऑडियंस जहाँ बैठती है उसे ऑडिटोरियम कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखना है तो आप फीडबैक जरूर दिया करिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का बीएसएटी की क्लासेस से जुड़ने के लिए।